मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। शादियों की तैयारियों में जुटी सोफिया हयात ने पवित्र स्थान मक्का का अपना एक्सपीरियंस अपने फैंस के साथ शेयर किया। आपको बता दूं कि सोफिया को मक्का जाकर बड़ी निराशा हुई है। उन्होंने बताया कि इस पवित्र स्थान में भी वो यौन शोषण जैसे घिनौने अपराध का शिकार हुई। दरअसल सोफिया हयात ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपने मंगेतर के साथ मक्का गई थी। उन्होंने बताया कि उनका वहाँ का अनुभव बेहद भयावह रहा। सोफिया ने बताया कि वहाँ काफी भीड़ थी जिसकी वजह से वो अपने मंगेतर से जब अलग हो गई, जिसका फायदा उठाकर वहाँ मौजूद एक अजनबी व्यक्ति ने सोफिया को गंदे तरीके से छुआ। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने सोफिया का हिजाब भी उनके चेहरे से हटा दिया। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद सोफिया ने अपने कमरे में वापस सुरक्षित पहुंचने के बाद एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उस व्यक्ति ने सोफिया की भावनाओं को आहत किया। पुरुषों को कुरान में कही गई बातों से कोई मतलब नहीं है। सोफिया ने कहा, अल्लाह मुझ में है और वो मुझसे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो महिलाओं का सम्मान किए बिना सिर्फ काला पत्थर छूकर जन्नत में पहुंच जाएगा तो वो गलत है। अगर आप महिलाओं की उपेक्षा करते हैं तो आपकी हज यात्रा बिल्कुल बेकार है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।